Hello guys, good morning everybody. मेरे लीवर जहाँ कहीं भी रहे खुश रहेगी दुआएं मेरी। दोस्तों आज की है मेरी छुट्टी और आज मेरा मूड बना है थोड़ा घूमने का। मैंने कहा क्यों ना तो आज थोड़ा घूमा जाए, कभी बीच बीच में थोड़ा घूमी कर लेना चाहिए सभी को। तो आज मेरा घूमने का मूड है और मैं मूड बना रहा हूँ आई थिंक कसौली का। सोच रहा हूँ कसौली घुमाऊँ, लेकिन क्या बता, सोच रहा हूँ मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि सूरज दिन तो ऊपर चल रहा है, सूरज दिन बिल्कुल पीक पर है और ट्रैफिक का काफ़ी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से हो सकता है, मुझे ट्रैफिक में ना फंस जाऊँ मैं। और अगर मैं किलोमीटर की बात करूँ, अगर तो शिमला से कसौली की दूरी है 71 किलोमीटर। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ इस वक्त कसौली। ये है कसौली की मार्केट, काफ़ी मतलब अच्छा एरिया है, ऐसी बात नहीं है। इस तरह की मार्केट यहाँ चारों तरफ कसौली की मार्केट है ये। काफ़ी शांत सा एरिया है यहाँ का कसौली का। और यहाँ पर मार्केट इस तरह की वेट 10 मिनट वेट करो अभी। कहते हैं कमांडर साहब का ऑर्डर है कि कोई भी गाड़ी लेकर वहाँ से उस पॉइंट से आगे ना जाएं सनसेट के लिए। मैंने कहा क्यों भाई, ये रूल कब से हुआ? तो कहते हैं जब से कोरोना चल रहा है तो फिर पैदल जाना पड़ना, सभी लोग जा रहे हैं पैदल। तो मैंने कहा क्यों, मैं कौन सा लाट साहब हूँ, मैं भी चलता हूँ पैदल आगे सनसेट की ओर, देखते हैं कैसा पॉइंट आगेगा। यहाँ का जो मोस्टली जितना भी मतलब एरियाज है यहाँ का 80% एरिया जो है ये अंडर आर्मी के अंडर आता है। ये आर्मी वाले अनुशासन के बड़े पक्के होते हैं, ये सभी जानते होने भी चाहिए। और आर्मी मैन तभी तो रिटायरमेंट के बाद भी फिट रहते हैं, और हम सिविलियन जो भी एज रहेगा आप आर्मी के मुकाबले, तो सिविलियन आर्मी के आगे कहीं स्टैंड नहीं करता है जहाँ तक मैंने देखा। मैं अभी सनसेट पॉइंट से होकर गुजर रहा हूँ
वो सनसेट पॉइंट पे पता क्या है कि सनसेट पॉइंट के साथ ही एक आर्मी किसी ब्रिगेडियर का मैस है, मतलब जहाँ ऑफिसर रहते हैं आर्मी वालों के, तो सनसेट पॉइंट पे मतलब वैसे साफ तौर पे लिखा हुआ था कि यहाँ फ़ोटो खींचना सख्त मना है। तो कोई लोग रुके भी नहीं थे, तो मैंने कहा अगर मैं फ़ोटो खींचता हूँ अच्छा लगता नहीं, क्योंकि बाइक उधर एक बैनर लगा रखा था ऑलरेडी। तो मैंने कहा चलो ये तो सनसेट पॉइंट के, हमें एक दो फोटो मैंने शूट करने थे लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि जब मना कर रखा तो कैसा करूँ। तो चलता हूँ फिर आगे की ओर। तो कुल मिलाकर दूर से देखकर मैं सोचता फिर समझता था पहले कि कुछ छोटा सा पॉइंट होना, लेकिन काफ़ी अच्छा पॉइंट है, ऐसी बात नहीं है, शांत माहौल, घूमने फिरने वालों के लिए बहुत अच्छा है। खासकर कपल्स जब आते हैं यहाँ घूमने तो उनके लिए तो मैं कहता हूँ स्वर्ग है ये। जैसा मैं सोचता था पहले उससे कई गुना ज़्यादा पाया मैंने। लोग ऊपर से आ रहे थे तो मैंने पूछा कि ऊपर है क्या चीज़ है, तो कहने लगे कि थोड़ा सा ऊपर ट्रैक है, छोटा सा कोई ट्रैकिंग वाला एरिया जैसा होता है, ज़िगज़ैग रास्ता। तो मैं कहा चलो थोड़ा ट्रैक कर लिया जाए, देखते हैं ऊपर पहुँच कर है क्या ऊपर। छोटा सा एक ट्रैक बता रहे हैं, तो चल कर देखते हैं क्योंकि ऊपर जाकर है क्या चीज़ है, लगता कैसा ऊपर हाइट पे तो मोस्टली सब जगह बहुत अच्छा लगता है ये सभी को। तो चल कर देखते हैं ज़रा एक नया नज़ारा शायद ये देखने को मिल जाए। तो लेकिन कैसे दिए 40 रुपये लेते हैं, और इतनी महंगी प्लेट कैसे होगी, थोड़ी दूर है, कम दो थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं खाता हूँ, 20 का दो भी यार, 30 का कर दीजिए, मेरे लिए आपने प्याज में डालना ठीक है, बाकी दे दो जो भी है। ऊपर है क्या देखने लायक, क्या चीज़ है? लवर पॉइंट। हाँ। चलो लवर पॉइंट देख लेते हैं क्या। लव तो हमने किया नहीं, चलो पॉइंट तो देख ले, लव तो हमने किया नहीं, को पॉइंट तो देख सकते हैं। नीचे बेचारा नमकीन वाला बैठा हुआ था, मैंने पूछा उससे कि ऊपर क्या चीज़ है, तो कहने लगा कि लवर पॉइंट ऊपर, मैंने कहा लव तो हमने किया नहीं, पॉइंट तो हम देख सकते हैं। एक हाथ में लगाओ कैमरा, दूसरे हाथ से खाने पड़ने। कई लोग जाकर आ रहे हैं आगे से, इट मीन्स पॉइंट अच्छा होना, पता लग जाएगा चलकर। व्यू जंगलों वाला व्यू, आज का दिन कसूली के नाम, तो जब फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो किसी शायद में किसी यार दोस्त के साथ आया था शायद, सेकंड टाइम मैं अकेला आया, अब थर्ड टाइम आ रहा हूँ। उस वक्त मैं यूट्यूबर नहीं था तो मैं एक ब्लॉग शूट नहीं कर सका,
पता भी नहीं था कि किस तरह क्या करते हैं। कोई भी पॉइंट हो, जब वो पॉइंट मशहूर होता है तो उसके कुछ कारण होते हैं, तभी मशहूर होता है पॉइंट। शिमला का आपने देखा होगा हसन वैली, किसी हसन के नाम से, हसन था एक कश्मीरी, उसके नाम से मशहूर है वो प्लेस। आप रोड में पहुंच ही गया उस पॉइंट पे, तो लगता यही होगा। ये भी किसी सनसेट से मतलब कम नहीं है, अच्छे नज़ारे हैं चारों तरफ का और मोरे प्यार नज़ारे। ये लवर पॉइंट था, बहुत ही ज़्यादा लवर लवर मुझे मिले कपल, बहुत ही ज़्यादा, मैं गिन नहीं सकता। सच मुझे लवर पॉइंट ही था, बाप रे। और कपल के बैठने के लिए इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बने हुए, पूछो मत। चाहे यहाँ पे नीचे उतर जाओ, चाहे परे चढ़ जाओ, चाहे ऊपर चढ़ जाओ, बाप रे। बड़े भारी कपल्स मिले मुझे, बड़े बड़े कपल्स, कई नीचे बैठे हुए, कई ऊपर बैठे हुए। मोस्टली मतलब वो टूरिस्ट थे नीचे, इससे कि नीचे के लोग थे, लोकल तो नहीं थे, पर कपल बड़े भारी मिले, लड़के जवान लड़के लड़कियाँ बैठे हुए, जफी पा कर बातें कर रहे हैं। कोई किसी से किसी को मतलब नहीं है, मतलब जैसे कि हमारे हिमाचल में डिस्टर्ब लोगों को कम करते नहीं, कोई कमी ऐसे पॉइंट होगा जहाँ लोग किसी को डिस्टर्ब करते हैं, बाकी कोई नहीं करते डिस्टर्ब। तो अब आगे भी मुझे बड़ा अच्छे अच्छे जगह नज़र आ रहा है, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे मोबाइल पे कैमरे में अब बैटरी ख़त्म होने वाली है, और फिर क्या फ़ायदा मैं वहाँ तक चला भी जाऊँ और कवर ना कर पाऊँ। अगर आप आते हो चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ से होते हुए आते हो, अगर आप जैसे धर्मपुर पहले स्टेशन आएगा आपका, जैसे परमाणु क्रॉस कर लेते हो आप, एक स्टेशन आता है धर्मपुर, धर्मपुर से आपने लेफ्ट गाड़ी काटनी, छोटी सड़क मिलेगी आपको, लिंक रोड सड़क है, जिगजैग वाली बड़ी प्यारी सड़क है। तो सीधा 8 या 9 किलोमीटर चलने के बाद आपको कोठोली बाजार मिलेगा, वहाँ आपने गाड़ी पार्क करनी है, वहाँ से जहाँ तक गाड़ी जा सकती वहाँ तक आप गाड़ी में आओ। उसके बाद अगर जैसे आज मुझे मना किया गया तो कोई बात नहीं, पैदल आओ, और इन सड़कों में तो गाड़ी जाएगी नहीं, तो यहाँ तो जाने ही पैदल ही पड़ना। कोई दोस्त हो, कोई फ्रेंड हो, उनके साथ आ सकते हैं आप यहाँ पर, और फैमिली के साथ अगर आए, छोटे बच्चे साथ हो आपका, तो चलना थोड़ा उनका दुश्वार हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आगे रास्ता जाता है मंकी पॉइंट के लिए, लेकिन क्या किसी कारण कोरोना कार करके मंकी पॉइंट कहते बंद कर रखा है। वहाँ एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर होना, तभी तो मंकी पॉइंट नाम रखा हुआ उसका, इस करके वो कहता मंदिर हमने बंद कर रखा है, नीचे से मुझे लोगों ने बता दिया था, तो आगे जाने का फायदा रहा नहीं। फिर जब मंदिर क्लोज है फिर क्या, क्यों जाऊँ आगे। तो मैं अपना सफ़र को यहीं पर विश्राम देता हूँ और मिलता हूँ आप किसी और नई डेस्टिनेशन के साथ। जो मेरे भाई लोग कसूली को कुछ छोटा सा स्टेशन अगर समझते होंगे तो ऐसा भूल बिल्कुल ना करें, हो सकता है शिमला वापस पहुँचते पहुँचते मुझे रात हो जाए। मैं मुझे जल्दी आना चाहिए था सुबह, तो मैं किसी कारण हो गया लेट, तो मैं फिर भी पूरा कवर नहीं कर पाया। नेक्स्ट टाइम फिर देखते हैं कभी, नेक्स्ट टाइम ना, इस बार मैं पूरा कवर नहीं कर पाया कि यहाँ आने चाहिए सुबह, तड़ करता बोना कवर मेरे से पूरा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा घूम कर, अच्छी लगा। आई मैट यू, आई मैट यू पॉइंट। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो लाइक के बगैर बिल्कुल ना जाए, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन जो है वो जरूर प्रेस करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि नेक्स्ट अपलोड जो है आपको तुरंत मिल जाए। तो मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ, क्योंकि वो कैमरे में बैटरी की बहुत कमी है और इससे ज़्यादा वीडियो मैं शूट नहीं कर सकता। तो मिलते हैं किसी और नए जगह के साथ, नई नज़ारों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।